सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी शुरू हो, जिसकी तैयारियों में यूपी सरकार लगी। जब से योगी सरकार आई है तब से कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकल रही है, लेकिन जब कोई शुभ काम होता है तो इसमें खलल डालने वाले भी आ जाते। ऐसे ही कुछ लोग कल से योगी सरकार के एक आदेश पर बवाल मचा रहे हैं। ये आदेश कांवड़ यात्रा के भक्तों की सुविधा को देखकर निकाला गया। कई बार कांवड़ यात्री ये शिकायत करते हैं कि कांवड़ में वो कई बार दुकान का नाम देखकर सामान खरीदते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दुकान किसी और नाम से, दुकान चलाने वाला कोई और। इसे लेकर कई लोग आपत्ति भी जताते हैं कि आखिर पहचान बदलकर दुकान चलाने की जरूरत क्या है बॉस, अपना सही नाम बताओ, दुकान चलाओ, जिसका जो नाम है उसी नाम से, उसी पहचान से ना दुकान चलनी चाहिए। नाम का अगर कोई धोखा दे रहा है, दूसरे नाम से दुकान चला रहा है, मतलब मन में खोट है। यही बात जो है वो लोग उठाते रहे। जब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि किसी को दुकान चलाने के लिए अपनी पहचान और नाम छुपाने की जरूरत नहीं है, तो इस आदेश पर ओवैसी जैसे लोग हंगामा मचाने लगे, कहने लगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी से लेकर अखिलेश और कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े होने का फैसला कर लिया और इस फैसले को मुसलमानों से जोड़ दिया। कहीं भी मुसलमानों का जिक्र भर आ जाए तो सबसे पहले ओवैसी के पेट में दर्द होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले पर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सीएम योगी को हिटलर तक बता दिया। ओवैसी ने कहा कि योगी के अंदर हिटलर की आत्मा समा गई है। एक बार सुनिए ओवैसी को, फिर बताऊंगा कि योगी सरकार ने यह फैसला किया क्यों। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? योगी सरकार ने नाम और पहचान बताने का आदेश जारी किया है तो इसलिए क्योंकि ऐसी चीजें हो रही, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। और ये हम हवा में नहीं कह रहे, ऐसे कई ढाबे और होटल चल रहे हैं। आपको उदाहरण से दिखाता हूं। ये ढाबा देखिए जो अमरोहा रोड पर है, इसका नाम है शिवा गोल्डन ढाबा। ढाबे पर जो बोर्ड है उस पर हिंदू प्रतीक बने हैं। ढाबे के नाम से किसी को भी यही लगेगा कि यह शुद्ध शाकाहारी ढाबा है जिसे कोई हिंदू चला रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा गोल्डन ढाबे के मालिक का नाम फरमान है और वो 14-15 साल से यह ढाबा चला रहा है। सुनिए ढाबे के मालिक फरमान को, फिर इस ढाबे की एक और सच्चाई बताऊं। आपका फरमान नाम? फरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है अपने। ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। शिवा गोल्डन ढाबे के मालिक ने खुद बताया कि उसका नाम फरमान है और वो पिछले 14-15 साल से ये ढाबा चला रहा है। जब हमारी टीम इस ढाबे पर पहुंची तो गजब गजब की चीजें देखने को मिली। ढाबे का नाम ही शिवा ढाबा नहीं है, बल्कि ढाबे के अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। बकायदा ये फील देने की कोशिश है कि हिंदुओं का ही ढाबा और यहां पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। जब इस ढाबे पर काम करने वालों से हमारी टीम ने बात की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। कर्मचारी ने बताया कि ढाबे का मालिक फहीम है। रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ऐसे ही एक और होटल के बारे में बताऊंगा। अमरोहा में भी ऐसे कई सारे ढाबे हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं। नाम उनका शिव है, विष्णु है, लेकिन अंदर काम करने वाले मालिक कुछ और लोग हैं। ये शिवा ढाबा है, यहाँ देखिए एक बार हम कोशिश करेंगे बात करने की। ये देखिए शिवा गोल्डन ढाबा है और शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अच्छा, कांवड़िए आ रहे हैं, कुछ तैयारी वारी किए हैं आप लोग? क्या तैयारी? अभी हमने इनकी कोई तैयारी चल रही है हमारे कांवड़ते हुए से। अब इसका रोड का पता नहीं है कि उल्ला बंद है क्या पल्ला बंद है, किस वजह से हमारी तैयारी चल रही है रोड के लिए कि कांवड़ती देखते हैं क्या उल्ली तरफ चलते हैं क्या पल्ली तरफ चलते हैं। जैसे कांवड़ती चलेंगे तो हमें उसी तरीके से करवाना पड़ेगा, इधर से रोड का देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा जोगिंदर नाम है। जोगिंदर, और ये ढाबा किसका है? ये हमारे भोरे भाई का ढाबा है। क्या नाम है उनका? भोरे भाई। पूरा नाम क्या? पूरा नाम क्या है? भोरे भाई। भोरे भाई, हाँ। फहीम नाम उनका। फहीम? हाँ। फहीम भाई कहाँ है? वो पल्ले होटल पर गए हुए हैं। अच्छा, फहीम भाई मतलब ये मालिक है? हाँ, मालिक है ढाबे के। अब किसी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि फहीम ढाबा चला रहे, किसी को इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि वो शिवा ढाबा नाम रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको लगा हो, आपने रखा हो, लेकिन साथ ही वहां पर आप लिख भी दीजिए योगी सरकार कह रही है कि फहीम शिवा ढाबा चला रहा।
इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई? मुसलमान भी कहीं खाने जाता है तो कई बार चेक करता है कि हलाल प्रोडक्ट है कि नहीं, चेक करता है ना भाई, उसको लगता है कि हलाल प्रोडक्ट खाना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। नाम और पहचान छुपाकर होटल या ढाबा चलाने वाले और भी लोग हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि योगी सरकार ने क्या आदेश दिया था और कैसे उस पर अमल हो रहा है। आदेश के मुताबिक दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखना जरूरी है, दुकान में काम करने वालों के नाम भी लिखने होंगे, होटल और ढाबों पर असली नाम लिखना होगा, मालिक और कर्मचारियों के नाम बताने होंगे, खाना बनाने वालों के नाम भी लिखने होंगे, फल वालों के भी अपनी पहचान बतानी होगी, ठेले या दुकान के आगे नाम लिखना होगा, अगर नाई की दुकान है वहां भी मालिक का नाम लिखना होगा, पंचर की दुकान है वहां भी मालिक का नाम लिखना होगा। यानी ये सब के लिए है, ऐसा तो नहीं कहा कि मुसलमान आप ही बताओ, सबके लिए कहा कि भाई जो चला रहा है दुकान वो अपना नाम लिख दे। सरकार ने आदेश जारी किया और इस पर अमल भी शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर जिला भी कावड़ रूट पर पड़ता है और यहां पर ढाबा मालिकों और दुकानदारों ने अपने नाम और पहचान लिखने शुरू कर दिए। देखिए एक बार रिपोर्ट। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर हाईवे पे एक ढाबे पर मौजूद है, ये देखिए श्री श्याम ढाबा लिखा हुआ है यहाँ पर इसका नाम, और ये श्याम ढाबा देख के लग रहा है किसी हिंदू प्रोपराइटर ही इसके होंगे, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें कोई दूसरा नाम तो नहीं है, इसके मालिक कोई और तो नहीं है, इसलिए इस तरीके के बोर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये बोर्ड जो है वो प्रशासन की हिदायत के बाद यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए आप इसमें नाम देख सकते हैं कि डायरेक्टर आरती चौधरी है, मैनेजर गौरव चौधरी है, मैनेजर नितिन कुमार है, और जो है कुक है वो अजय शर्मा है, वेटर सोनू है, हेल्पर अनीता है, और स्वीपर अनिल शर्मा, यानी सारे यहाँ पे काम करने वाले लोग जो है वो हिंदू है, और अगर यहाँ पे कोई कावड़ी आता है तो उसको किसी बात की कंफ्यूजन नहीं होगी। भाई सबके लिए लागू हो रहा है तो फिर किसी एक को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हिंदू भी लिख रहा है, सिख भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, पारसी भी लिखेगा, जिसकी दुकान होगी वो लिखेगा। और कावड़िए भाई चूंकि एक धार्मिक कार्यक्रम है ना, हर आदमी की अपनी आस्था है, उसको मन करेगा तो वहां जहां मन करेगा वहां बैठ के खाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? दूसरे धर्म के लोग भी जब अपना कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जो उनको परहेज लगता है वो करते हैं कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश लागू हो गया है और चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी अपनी अपनी दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नाम लिखें। बड़ी बात यह है कि सरकार का यह आदेश स्वैच्छिक है, यानी अगर दुकानदार का मन है तो वो अपना नाम लिखे और मन नहीं है तो ना लिखे। फिर भी इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने तो योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताऊंगा अखिलेश और मायावती का इस पर क्या कहना है। कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। इसी तरह से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा, कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है, जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस। ये सभी नेता दुकानदारों की पहचान जाहिर करने के आदेश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि अगर ढाबे वाले या फिर रेड़ी ठेले वाले अपना नाम और पहचान लिख देंगे तो उससे परेशानी क्या है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा का कहना है कि किसी को भी अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है। सुनिए मोहसिन रजा को, फिर बताऊंगा कि नाम छुपाने के पीछे का खेल चल क्यों रहा। अपनी आइडेंटिटी कोई भी इंसान ना छुपाए। मैं मोहसिन रजा हूं, अगर मैं दरवाजे पर महेश लिखवा दूं तो कैसे चलेगा भाई? यहां तो आप मेरे घर आए हैं ना, तो मोहसिन रजा साहब के ही तो घर आए हैं ना। तो इस तरह से अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? ये देश हमारा जो है सबको मान्यता देता है ना, यहां तो भेदभाव सरकार करने रही तो हम क्यों भेदभाव करें या कोई और भेदभाव करे क्यों? इसलिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ी है क्योंकि लोग इस तरह की चीज करते हैं। सरकार के आदेश के बाद ढाबों के मालिकों ने अपने ढाबे और कर्मचारियों की पूरी जानकारी देना शुरू भी कर दिया। ढाबों के बाहर बकायदा बोर्ड लगाकर पूरी जानकारी दी जा रही है। इसी तरह से फल वाले और रेहड़ी वाले भी अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब तस्वीर मुजफ्फरनगर की देखिए, जहां फल वाला अपने ठेले पर अपना नाम लिखकर फल बेच रहा है, साफ लिखा है आरिफ फल वाला। इसी तरह से तस्वीर देखिए एक और फल वाला का जो ठेला है शावेज, उस पर नाम लिखा हुआ है और वो फल बेच रहा है। बिरयानी की दुकान पर बड़ा सा बोर्ड लग गया है जिसमें दुकान और मालिक का नाम लिखा हुआ है।
यानी कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये फल वाले और रेहड़ी वाले भी सरकार के आदेश के बारे में जानते हैं और खुद कह रहे हैं कि नाम लिखने में क्या परेशानी हो सकती है। मतलब जिसको लिखना है उसको दिक्कत नहीं है, नेताओं को ज्यादा दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट देखिए एक बार कि किन किन जिलों में सरकार के फैसले का असर होगा। मुजफ्फरनगर में ना सिर्फ शहर के बाहर बल्कि शहर के अंदर भी उस सरकारी आदेश का पालन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बोला गया है कि रेहड़ी वाले ढाबे वाले अपने नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ एक फलों की रेहड़ी पे हैं, तो उसमें बकायदा लिखा गया है ऊपर मोबिन फल वाले। ये अभी दो एक दिन हुए हमने पालन किया इस बात का, काफी दो तीन दिन वगैरह में हमने नाम अधिकारी आए, उन्होंने कहा नाम वगैरह दस्तक करे, यहाँ सबने तख्ती लगा ली नाम की। पुलिस वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए? हाँ, पुलिस वाले आ रहे हैं चेक करने के लिए। और ये कह रहे हैं होटल वालों को बड़ा नाम करके लगाइएगा अपना, छोटे छोटे मत लगाइएगा नाम। आपने पूछा उनसे क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, यूँ लगाने के लिए बोल रहे, किसी के मन में कोई बैनर है, एक कावड़ यात्रा आती है, बोला आता है इसका नाम क्या है, वो अब सब ओपन है, इसका नाम क्या है, कौन क्या है, इस पे सब तख्ती प्रशासन लगवाइए। क्या नाम है जनाब आपका? हाकिम नाम है जी। हाकिम जी, कभी आदेश आया और क्या किस तरीके से पालन कर रहे हैं आप लोग? ये चार पाँच दिन पहले गया उन्होंने पुलिस वालों ने तख्ती लाके नाम लिख कर यहाँ टांग दो। लेकिन ऐसे भी ढाबे जिनके नाम से कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे ये ढाबा देखिए जो अमरोहा रोड पर है, इसका नाम है हाईवे ढाबा। जरा वो तस्वीर दिखाइए, अभी वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। ये है हाईवे ढाबा। अब हमारी टीम यहां पहुंची, पूछा कि भाई हाईवे ढाबे के मालिक का नाम क्या है, तो भूरे मालिक है। कहा गया कि मुसलमान है। भूरे मालिक का कहना है कि ढाबे को उसने किराए पर लिया है और जल्दी ढाबे का नाम भी बदलने वाला है। देखिए जरा रिपोर्ट। शुद्ध शाकाहारी हाईवे ढाबा वेज ढाबा है। बजरंग बली की बकायदा यहाँ पे झंडा लगा हुआ है और भारत का झंडा लगा हुआ है और गुरु नानक देव जी का यहाँ पर फोटो भी लगा है और सिख समुदाय का प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ है। क्या नाम है इनका? नाम तो खैर भूरे है। भूरे? पूरा नाम क्या है? भूरे मलिक बोलते हैं। और ये भूरे कौन है? भूरे मलिक? भूरे मैं हूँ, मैं चलाता हूँ। आप चलाते हैं? अच्छा, बंद रहेगा सावन में तो बंद कर देते हैं, रोड बंद रहेगा ना। अच्छा, बंद कर देंगे। तो ये नाम इसका हाईवे ढाबा है जी, ऐसा क्यों रखा था सर? ये पहले से चल रहा था, रेंट पे ले रखा मैंने। तो किराया आपको शुद्ध शाकाहारी ओम लिखा हुआ नजर आएगा। ओम आप देखिए यहाँ पे नजर आएगा, ये जो संचालक हैं वो तो मुस्लिम है लेकिन ओम यहाँ पे नजर आएगा। इस तरीके से भ्रमित करने वाले जितने भी ढाबे हैं उनको लेकर मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने काफी ज्यादा जो है वो एक्शन दिखाया है और कहा है कि नाम बताइए। दरअसल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आयोजन बन जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों से भक्त हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर जाते हैं। सावन में हर साल 1 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से भी भक्त आते हैं। कांवड़ यात्रा के रूट में यूपी के 13 से ज्यादा जिले, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में 111 किलोमीटर लंबा रूट। इन 3 जिलों के 54 गांव कांवड़ यात्रा के मार्ग में आते हैं। और इस पूरे रूट पर कांवड़ियों को सामान खरीदने के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए फैसला लिया गया है। सीएम योगी कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा रूट की टूटी सड़कें 72 घंटे में ठीक की जाएं, यह आदेश दिया गया है। ड्रोन से कांवड़ यात्रा रूट की निगरानी की जाएगी। कांवड़ रूट पर सहायता शिविर भी लगाए जाएंगे। कांवड़ शिविर लगाने वाले का सत्यापन जरूर किया जाए। रूट पर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम हो, फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया जाए। कांवड़ रूट पर पेयजल शिकंजी का इंतजाम हो, अलग अलग मंत्रालय साथ मिलकर इंतजाम देखें। ये सारे आदेश कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ दे चुके, लेकिन सारा विवाद हो गया कि भाई नाम क्यों पूछ लिया, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि नाम बताने में दिक्कत क्या है भाई, कोई रिश्ता बनाओ तो सही नाम बताकर रिश्ता बनाओ, कोई सामान बेचो, कोई दुकान लगाओ तो सही नाम बताकर दुकान लगाओ। इसमें अगर नाम तो कोई वही छुपाएगा भाई जिसको कोई दिक्कत होगी कि उसको लगेगा कि गड़बड़ करना है कुछ, सही काम करने वाला नाम कौन छुपाता है।